राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा में मिले जोरदार रिस्पॉन्स ने बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं। इस यात्रा को मिले बड़े जन समर्थन के चलते बीजेपी चौकन्नी हो गई है और इस यात्रा के असर को कम करने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी को यह उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी की यात्रा को हरियाणा में इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन यात्रा को उम्मीद से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। इतने रिस्पॉन्स की उम्मीद खुद कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं थी। अब बीजेपी इस यात्रा के रिस्पॉन्स को, इस यात्रा के असर को, इस यात्रा के प्रभाव को ख़त्म करने की तैयारी में जुट गई है। राहुल गांधी की यात्रा के असर को कम करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी 29 जनवरी को गुहाना में एक बड़ी रैली करने जा रही है। अमित शाह हरियाणा में 2 दिन रुकेंगे। वे गुहाना में रैली करने के साथ साथ हरियाणा बीजेपी की कई मीटिंगें लेंगे। इन मीटिंगों में जहां सरकार के कामकाज को खंगाला जाएगा, वहीं 2024 की चुनावी रणनीति तय की जाएगी। अमित शाह का 2 दिन तक हरियाणा में रुकना और गुहाना में रैली करना बड़े सियासी मायने रखता है। बीजेपी जानती है कि कांग्रेस की पूरी रणनीति और कांग्रेस का पूरा चुनावी संग्राम भूपेंद्र हुड्डा परिवार पर केंद्रित होगा। गुहाना भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है और इसलिए बीजेपी गढ़ में ही भूपेंद्र हुड्डा को घेरना चाहती है। गुहाना में बड़ी रैली करके बीजेपी जहां भूपेंद्र हुड्डा पर प्रेशर डालने का काम करेगी, वहीं 2024 की चुनावी तैयारियों का आगाज करेगी। बीजेपी बखूबी जानती है कि जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा को उनके गढ़ में घेरना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ जीटी रोड बेल्ट और उत्तर हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत रखना जरूरी है। 2 बार की सत्ता में बीजेपी को बरकरार रखने में उत्तर हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट दोनों की अहम भूमिका रही है। कांग्रेस बीजेपी की ताकत को पहचानती है, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा को जीटी रोड बेल्ट से गुजारा गया। बीजेपी इस गढ़ को मजबूत रखना चाहती है, कायम रखना चाहती है और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा के इम्पैक्ट को ख़त्म करना जरूरी है। बीजेपी गुहाना में बड़ी रैली करके जहां भूपेंद्र हुड्डा को उनके गढ़ में ललकारेगी, वहीं उसके बाद जीटी रोड बेल्ट पर अपनी मजबूती को बरकरार रखने का अभियान छेड़ेगी। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी 29 जनवरी को गुहाना में कितनी बड़ी रैली करती है, कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है, वहां से अमित शाह क्या शंखनाद करते हैं और राहुल गांधी की यात्रा पर इस रैली का क्या असर पड़ता है। क्या अमित शाह राहुल गांधी की यात्रा के इम्पैक्ट को ख़त्म कर पाएंगे? क्या बीजेपी गुहाना रैली के जरिए भूपेंद्र हुड्डा को उनको गढ़ में घेरने में कामयाब हो पाएगी और उसके बाद क्या उत्तर हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा के इम्पैक्ट को बीजेपी ख़त्म कर पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको खरी खरी न्यूज़ पर मिलते रहेंगे, इसलिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।